गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लासेस एंड वी डिस्कस चैप्टर नंबर 5, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट. प्रीवियसली वी कंप्लीटेड टॉपिक लाइकेन्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन टॉपिक सिंथेटिक इंडिकेटर. सो स्टूडेंट्स, फिनाफ्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज examples of chemical which acts as For example, phenolphthalein solution. Becomes colorless in acidic medium when the medium is basic. So student, previously we discussed the indicator is identified the given solution is acidic or basic, and we know that indicator are divided into two parts. First one is the natural indicator and the second one is the synthetic indicator. We know that the natural indicators, some examples are given for China rose, turmeric, onion, beetroots and litmus paper. And natural indicator are obtained from naturally, and we know that the synthetic indicator, some examples are given there. First one is the phenolphthalein and second one is the methyl orange and other starch. So many examples are present in the synthetic indicator, and we know that the phenolphthalein solution becomes colorless in acidic medium, and when the medium is basic it turns pink in color. Generally हम लोग ये देख सकते हैं कि जो phenolphthalein solution है, phenolphthalein एक indicator है. जब हम लोग इसमें acidic solution में phenolphthalein indicator को add करेंगे तो जो हमें उसमें आइडेंटिफाइड होगा कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक. कैसे पता चलेगा? जब ये जैसे ही हम लोग उसमें ऐड करेंगे ही कलरलेस हो जाएगा. एंड बेसिक मीडियम में फिनाफ्थलीन क्या करता है? पिंक कलर देता है. जैसे हम लोगों ने टर्मरिक के टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि दो सोल्यूशन है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है. एसिडिक सोल्यूशन जो कि हमें नहीं पता है, अभी हम लोग ये देख सकते हैं, दिस इज द सोल्यूशन ए एंड हियर वी कैन सी दैट द सोल्यूशन बी.
then how can we identify the given solution is acidic or basic? तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने टर्मरिक को इंडिकेटर एज ए टर्मरिक को इंडिकेटर यूज किया है, तो हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही टर्मरिक सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे और टर्मरिक सोल्यूशन को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन को यहाँ पे ऐड करेंगे और टर्मरिक को अगर ड्रॉप वाइज यहाँ पे थोड़ा एसिडिक सोल्यूशन लिया और हमने ड्रॉप वाइज इसमें टर्मरिक ऐड किया, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, नो कलर चेंज, क्योंकि हमें पता है टर्मरिक इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज नहीं करता है। और तो हमें ये पता चल गया कि द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक एंड बेसिक। बेस को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस सोल्यूशन से बेस यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा और इसमें टर्मरिक को ऐड करेंगे। जैसे ही टर्मरिक को ड्रॉप वाइज यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये डीप रेड कलर हमें प्रोवाइड करेगा, डीप रेड कलर। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिनाफ्थलीन का क्या है, फिनाफ्थलीन को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में अगर फिनाफ्थलीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हमें कलर ऑप्टेन होगा, मीन्स क्या हो जाएगा, कलरलेस, यानी कोई कलर हमें ऑप्टेन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फिनाफ्थलीन को बेसिक सोल्यूशन में यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो कलर होगा वो पिंक कलर हमें ऑप्टेन होगा। देन वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन। एसिड रेन, द रेन बिकम्स एसिडिक व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड that is in bracket CO2, sulfur dioxide, that is SO2 and nitrogen dioxide, that is NO2 present in the atmosphere dissolve in rain drop these gases when dissolved in rainwater drops form carbonic acid sulfuric acid and nitric acid respective
respectively. Acid rain may cause damage to historical monuments. Monuments, plants, and animals. So, students, here we can see that what is acid rain? The rain becomes acidic when carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide present in the atmosphere. बेसिकली क्या होता है एसिड रेन क्या होते हैं जब भी कोई भी किसी भी एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो जनरली क्या होता है जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन के दौरान जो रेन ड्रॉप्स होते हैं रेन ड्रॉप्स में ये सारी गैसें क्या होती हैं ये सारी गैसें उसमें डिजोल्व हो जाती हैं. डिजोल्व होने के बाद क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लेता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेता है. इससे क्या है इससे हमारे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और प्लांट्स और एनिमल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स सो हियर वी कैन सी दैट द रिएक्शन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ H2O दैट इट बिकम्स H2SO4 एंड H2SO4 बन जाएगा. ओके बेसिकली हम यहां पे ये देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंट स्टिंग. The ant sting contains formic acid which when injected into the skin causes pain and
solution. Irritation by applying moist baking soda the effect of this thing can be neutralized. Neutralized. एंटी स्टिंग क्या है? एंटी स्टिंग मीन्स जो चींटी की क्या होती है, डंक होती है, जो चींटी हमें किसी बाइट कर लेती है. देन द एंटी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड. एंटी स्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एसिड होता है. द एसिड इज फॉर्मिक एसिड एंड विच वेन इंजेक्टेड इन टू द स्किन कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. जैसे ही एंड स्टिंग हमारे स्किन में इंजेक्ट होता है, हमें क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन होते हैं. बाई अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज. हम लोग क्योंकि वी नो दैट वेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस वी ऑब्टेन सॉल्ट एंड वाटर. मीन्स ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो जैसे ही हमारे बॉडी में क्या है, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है और हमारे बॉडी में क्या है, वाटर पहले से हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट होता है. तो सब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तुरंत वहां पे अगर पेन और इरिटेशन हो रहा है तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए. बेकिंग सोडा अप्लाई करते ही हम लोगों को क्या होता है, वहां पे जो प्लेस है वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है. क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज एंटासिड. Substances which are used to neutralize is an antacid which contains magnesium hydroxide. एंटासिड क्या है? एंटासिड आर सब्सटेंसेस
विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिड रिलीज इन अवर स्टमक। हमें पता है कि हमारे स्टमक में म्यूकस, पेप्सिन एंड एससीएल क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूस। जब हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड रिलीज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वी टेक अ मिल्क ऑफ एन एंट एसिड टैबलेट्स। एंड एंट एसिड टैबलेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे मिल्क ऑफ इज एन एंट एसिड विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH वहां पे प्रेजेंट होता है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो तुरंत क्या बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस टॉपिक टू क्लियर ऑल ऑफ यू। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।